हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? देखो, पिछली क्लास में लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में हम लोगों ने इसके थ्योरी पार्ट को डिस्कस किया था, बट वैसे आज हमारी क्लास में हम उसके न्यूमेरिकल पार्ट का डिस्कशन शुरू करेंगे। और न्यूमेरिकल पार्ट ही नहीं, अगर कोई थ्योरी और भी कुछ हटके अगर बनता है, जितनी बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी उसके बाद भी कोई थ्योरी अगर बनता है तो वो भी हम लोग क्लास के बीच बीच में डिस्कशन करेंगे। तो आपको मेरे साथ रहना है। लिखिए जरा, आज हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है हमारा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी ये हमारे इसके आगे की क्लासेज है, जो हमने थ्योरी क्लास पढ़ा था उसके बाद का। आप लिखिए मेरे साथ, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, यानी कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड। लिखेंगे आप मेरे साथ यहाँ पे टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हमें इसमें पढ़ना क्या है। मेरे बच्चे, इसके अंदर में एक तो स्टडी आपके थ्योरी की होगी, थ्योरी जो पार्ट हमने अभी तक फिनिश कर लिया है। थ्योरी कुछ और भी थ्योरी आएंगे, हम उनको आगे देख लेंगे चैप्टर के अंदर में, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड टॉपिक मेरे बच्चे यहाँ पे हमें पढ़ना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सर ये क्या होता है? मेरे बच्चे पूरी क्लास में डिस्कशन होगा, आप चिंता न करो, लिख दो पहले इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हम लोग शॉर्ट में इसको SOA भी कहते हैं। एग्जाम में कभी कभी आता है कि प्रिपेयर SOA, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बात करता है। थर्ड में जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे वो है आपका डेफिशिएंसी अकाउंट। थर्ड में टॉपिक हमारे पास है जिसका नाम है डेफिशिएंसी अकाउंट। ये डेफिशिएंसी अकाउंट जो है मेरे बच्चे, इसको हम लोग लिस्ट एच के नाम से भी जानते हैं। लिस्ट एच सर, इसको लिस्ट एच क्यों बोलता है, इसका भी रीजन में आगे आपके साथ डिस्कशन करूंगा। आप लिख लो पहले यहाँ पे डेफिशिएंसी अकाउंट, यानी कि लिस्ट एच। फिर हमें यहाँ पढ़ना मेरे बच्चे प्रेफरेंशियल क्रिएटर्स के बारे में। प्रेफरेंशियल क्रिएटर्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सर ये प्रेफरेंशियल क्रिएटर्स क्या होते हैं, इसका भी डिस्कशन हम देखेंगे मेरे बच्चे कि ये कैसे काम करेगा। फिफ्थ में लिखे आप यहाँ पे फिफ्थ में। फिर आपको पढ़ना है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट, हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। और सिक्स में हमारे पास आएगा लिस्ट बी, बी विद इन इनवर्टेड कॉमा है, लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज। सर ये क्या है, इन सब का डिस्कशन करेंगे मेरे बच्चे। ये हमारा चैप्टर है जो इसमें हमें पूरा का पूरा स्टडी करना है। एक्चुअली ये जो चैप्टर आपका लिक्विडेशन कंपनी है, ये फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर आपका है कि अगर कोई कंपनी जब लिक्विडेट होगी, जब कंपनी कोई बंद हो जाएगी, उसका वाइंडिंग अप हो जाएगा, तो हमें कौन कौन से आपका फॉर्मेट को, कौन कौन से हमें रिपोर्ट को तैयार करना है, उनके बारे में इसका डिस्कशन है। तो एक एक करके हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। आप प्लीज कॉपी कर लो, हमें पढ़ना क्या है। इसमें से हमने आपका थ्योरी पार्ट तो कवर कर लिया है। सेवेंथ में कुछ और भी मिसलेनियस टॉपिक्स आएंगे। सर ये मिसलेनियस टॉपिक्स क्या होंगे मेरे बच्चे, आज बताना बेवकूफी होगी, सब्र करो, चैप्टर को आगे बढ़ने दो। मिसलेनियस टॉपिक्स इसमें और क्या क्या निकल के आएंगे हम वो चैप्टर के साथ देखेंगे। हाँ, इतना विश्वास रखना, जितने क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे, जितनी बातों का हम डिस्कशन क्लास में करेंगे, इसके बाद कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता, इसके बाद नहीं बनता। तो बस आप इसकी कॉपी कर लीजिए और हम आज चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पर बच्चे मैं इसको मिटाता हूं, आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटाता हूं, थ्योरी वाला पार्ट हो ही चुका है। आज हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी कि हम इसके सेकंड टॉपिक की शुरुआत करेंगे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आप इसको लिख लो, आप यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे ये हो गया आपका फेयर्स। आप एक काम करो, नया पेज लो, बिल्कुल नया पेज, और उस नए पेज पे आप क्या करेंगे, बिल्कुल ऊपर में जहां पे आप हेडिंग्स लिखते हैं वहां पे लिखिए फॉर्मेट ऑफ, आप लिखेंगे वहां पे फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सर ये क्या होता है मेरे बच्चे, सारी बातें लिखाऊंगा, आप चिंता मत करो, ये क्या होता है, ये क्यों बनता है, उस सब मैं नोट वाइज आपको लिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले समझो ना मैं क्या बता रहा हूं। जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है मेरे बच्चे, जब कंपनी बंद होती है और कंपनी कहती है कि भैया मैं ट्रिब्यूनल के पास जा रही हूं, मतलब कोर्ट के पास, और कहती हूं कि मुझे बंद कर दो, तो मेरे बच्चे कोर्ट जो है ना वो कंपनी से बोलता है कि आप अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर लेकर आओ। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्या होता है, तो ये उस कंपनी को कहते हैं, ट्रिब्यूनल कंपनी को कहते हैं कि आप वो एस्टीमेट लगाओ, एग्जैक्ट एस्टीमेट कि आपके जो एसेट्स है उनको बेच के कितना पैसा मिलेगा,
उनमें से लायबिलिटी वालों को जब पेमेंट होगा तो कितना कितना पेमेंट किसको किसको होगा, और वो सारे पेमेंट होने के बाद आपके पास पैसा कम पड़ेगा या पैसा ज्यादा बचेगा, ये बातें आप लिख के लाओ। मेरे बच्चे कंपनी इस बात को जिस चीज में लिख कर लेकर आते हैं हम उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यही नहीं, अगर मान लो ट्रिब्यूनल के पास मतलब कोर्ट के पास न्यायालय के पास कंपनी के सिवाय कोई दूसरा आदमी जाता है और वो कहता है कि भैया आप इस कंपनी को बंद करो, ये कंपनी बदमाश है, ये ठीक से काम नहीं कर रही है, ये कंपनी आगे पेमेंट नहीं कर पाएगी, तो मेरे बच्चे हमारा जो ट्रिब्यूनल है उस कंपनी को लेटर लिखता है, चिट्ठी लिखता है कि देखो जी आपके अगेंस्ट एक पिटीशन आया है कि कंपनी को बंद करो क्योंकि कंपनी ठीक से नहीं काम कर रही है। आप एक काम करो 30 डेज के अंदर 30 दिन के अंदर में आप अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओ, मतलब एस्टिमेट दिखाओ मुझे कि एसेट्स जो आपके हैं उनको बेच के कितना पैसा आएगा, लायबिलिटी वालों को कितना कितना पेमेंट करना है, और सारा पेमेंट करने के बाद पैसा आपके पास कितना और बचेगा या पैसे की कमी आएगी, आप मुझे वो लेकर आओ। तो मेरे बच्चे हमारा काम क्या होगा जी कि हम जो कि इस कंपनी के लिक्विडेटर अपॉइंट हुए हैं, इस कंपनी को लिक्विडेट करना है, कंपनी ने हमें कहा कि हमारा एसओए बना दो, हमें वहां पर देना है, तो हमें एसओए बनाना पड़ेगा। एसओए कैसे बनेगा, एक फॉर्मेट है, मैंने क्या किया फॉर्मेट को बहुत सिंपल तरीके से आपके लिए बनाया हुआ, बहुत सिंपल तरीके से इसमें आने वाली जितनी कलाकारियां होंगी जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होंगे उन बातों को बहुत सिंपल सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप जब तक कि मेरा ये टॉपिक पूरा एंड ना हो जाए तब तक दिमाग में ई फॉर ना आए, बिलीव करो कसम से कहता हूं झूठ नहीं बोलता, जितने इस क्वेश्चन के अंदर में इस टॉपिक के अंदर में इफ और बनते हैं सब पे मैंने कोई ना कोई क्वेश्चन बनाया हुआ है, सब पे मेरे भी दिमाग, मैं भी इंसान हूं, मेरे भी दिमाग में पॉइंट्स उठ के आते हैं क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, वो सब मैंने आपके लिए रखा हुआ है, आपको मेरे साथ चलते चले जाना, चलते चले जाना, ठीक है ना। तो आओ ना मैं आपको यहां पे क्या करता हूं फॉर्मेट देता हूं ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एक काम करना, बड़ा रजिस्टर चाहिए, बड़ा रजिस्टर आपका, तो कम से कम फॉर्मेट आपका यहां तक एक पेज पूरा चलेगा, पूरा पेज, इसलिए प्रॉपर तरीके से जगह को आप लेंगे, जगह को यूज करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग से एंड तक फॉर्मेट आपका चलेगा। आप जरा आओ ना मैं आपको बताऊं इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है। ये लीजिए मैं ये आपके जो रजिस्टर का पेज है उस पेज को मैंने यहां से लिया एंड तक, ये मान लेता हूं कि पूरा का पूरा पेज है। इसमें मैंने एक कॉलम यहां पे बनाया आपका, ये कॉलम छोटा सा जिसमें मैं अमाउंट को लिखूंगा, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा अमाउंट, और फिर मैं अब इसको यहां पे ऐसे क्लोज कर देता हूं। ओह लो ये क्या कर दिया मैंने, ये क्यों कर दिया, क्यों काट दिया इसको, तो कोई बात नहीं आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं, काटना चाहता नहीं था लेकिन बदमाश ये पता नहीं कैसे टेढ़ा हो गया तो कट गया, कोई बात नहीं आप लिखो ना, मैं आपको देता हूं फॉर्मेट इसका, आपको अच्छा लगेगा। अब लिखिए मेरे साथ, इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले दिमाग में क्लियर कर लेना कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ये लिक्विडेटर जो है एक स्टेटमेंट बना रहा है, कंपनी एक स्टेटमेंट बना रही है जिसमें वो एस्टिमेट लगा रही है हर एक चीज का, कितने पैसे आएंगे और कितने पैसे हमारे पास से जाएंगे, वो एक एस्टिमेट लगा रही है। तो मेरे बच्चे इस एस्टिमेट में लिखो पहले, आप यहां पे कहता है कि पहले लिखो एसेट्स, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली, सर हम बाद में लिख लें ना मेरे बच्चे, साथ साथ लिखना है, अगर पेज भर गया तो कोई बात नहीं अगला पेज भी आपके पास है, लेकिन साथ साथ लिखो, ये नहीं कि वीडियो पॉज करके बाद में, वो ठीक नहीं है फिर समझ नहीं पाओगे, साथ साथ लिखो एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, पहले उन एसेट्स को हमें यहां पे बताना है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ANSP, इवन एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है तो कभी कभी ANSP मेंशन करता है। तो एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, सर इसका मतलब क्या होता है बताऊंगा, पहले आप लिखो इसके अंदर में कुछ नाम, जैसे कि कैश इन हैंड हो गया, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, कैश एट बैंक हो गया, कैश एट बैंक, फिर उसी तरीके से आप लिख दो यहां पे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर बिल्डिंग, बहुत सारी बातें हो सकती है। यहां पे एक नाम जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर्स, आप ये नाम लिखिए, और इन सब का जितने भी एसेट्स आपके पास है जो नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है मेरे बच्चे, इन सब का आप क्या करेंगे एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, गलत लिख रहा हूं, रियलाइजेबल वैल्यू जो इनका निकल के आएगा, इन सब को आप यहां पे लिखो, सबको, सबका,
अंदर वाले कॉलम में, और फिर ये जो टोटल अमाउंट होगा इस अमाउंट को क्या करना, बाहर कर देना, ये बाहर कर देना, ठीक है ना। तो जो एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है उनका हमने क्या किया, वैल्यू को बाहर कर दिया। मतलब जितने भी नाम होंगे सर, ये नाम कैसे पहचानेंगे अभी बताऊंगा आपको। इन सबका ईआरवी आपने मेरे बच्चे शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, ईआरवी, उसको आप अंदर लिखिए, ऐड कीजिए और बाहर कर दो आप। फिर इसके बाद क्या होगा, आप लिखेंगे यहां पे एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, और इसको हम शॉर्ट में एएसपी बोलेंगे, आपका एएसपी। फिर बच्चे इसके अंदर में क्या करेंगे, ये जो आपका एएसपी है कौन सा एसेट्स, उसका नाम यहां लिखा जाएगा, एसेट्स आपका, और इस एसेट से कौन सी लायबिलिटी सिक्योर की गई है, कौन सी लायबिलिटी सिक्योर की गई है, उस लायबिलिटी का नाम यहां लिखेंगे। फिर इन एसेट्स को बेचकर हमें कितना मिलेगा, एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू, मैं इसको भी लिख दूं क्या, इस शॉर्ट में क्या बोला जाएगा, ईआरवी। तो एसेट्स का जो ईआरवी है वो लिखूंगा, इसमें से लायबिलिटी को मुझे कितना पेमेंट करना है, मतलब पेबल वैल्यू। सर नहीं समझ में आ रहा, मत समझो, अभी लिखो, जितना समझा रहा हूं उतना ही। मैंने कसम खाया मेरे बच्चे आपके साथ, आपने देखा था मैंने ये छू के आपके साथ कसम खाया था कि जब ये आज क्लास खत्म होगी इस टॉपिक पे मैं पूरी मास्टरी करा दूंगा, इतना विश्वास रखो। तो आप लिखो ना यहाँ पे, आपका ईआरवी हो गया, एसेट्स बेच के कितना मिलेगा, एक्सपेक्टेड लायबिलिटी को हमें कितना पे करना है। अगर हमें यहाँ पे डेफिशिएंसी होता है, डेफिशिएंसी कब होगा, अगर एसेट्स को बेच के जितना पैसा मिलेगा उससे कहीं ज्यादा लायबिलिटी को पे करना है तो मेरे बच्चे डेफिशिएंसी होगा, और अगर मान लो जितने में एसेट्स बिकेगा उससे कम लायबिलिटी को पे करना है तो फिर आपका यहां पे सरप्लस निकल के आएगा। जितने भी एसेट्स होंगे उन एसेट्स के नाम को मैं यहां लिखूंगा, लायबिलिटी के नाम को यहां लिखूंगा मेरे बच्चे, एसेट्स बेच के कितना मिलेगा उनको हम यहां दिखाएंगे, लायबिलिटी को कितना पे करना यहां पे देखेंगे, डेफिशिएंसी अगर हुआ तो यहां पे आपका आ जाएगा और सरप्लस आया तो यहां पे आ जाएगा। इस बात का विश्वास रखना कि दोनों में, मतलब हर एक केस में या तो डेफिशिएंसी होगा और या फिर सरप्लस होगा, मतलब किसी एक एसेट्स को बेचकर डेफिशिएंसी भी हो और सरप्लस भी हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो या तो डेफिशिएंसी होगा या सरप्लस होगा। अगर सरप्लस होता है मेरे बच्चे, अगर सरप्लस होता है तो ये सरप्लस वाला अमाउंट जो है ना यहां चला जाएगा। कहते हैं कि ये जो अगर इफ सरप्लस, अगर सरप्लस होता है तो सरप्लस वाला जो अमाउंट आपका होगा, सरप्लस वाला अमाउंट जो आपका होगा ये अमाउंट फिर आपका यहां पर चला जाएगा, डेफिशिएंसी नहीं। अगर सरप्लस, इफ सरप्लस, अगर सरप्लस हुआ तो सर इसका मतलब बताऊंगा, आप पहले लिख लो कि अगर सरप्लस होगा यानी कि पैसे कुछ बचेंगे तो वो पैसा भी आप यहां पे लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। मैं ये काम करता हूं, इसको क्लोज नहीं करता ऐसे, बस यहां इफ सरप्लस और सरप्लस का अमाउंट यहां लिख देता हूं, अच्छा लगेगा। यही सरप्लस है, अगर सरप्लस होगा तो यहां पे चला जाएगा बाहर वाले कॉलम में भी, डेफिशिएंसी तो नहीं जाएगा। फिर मेरे बच्चे आप यहां पर लिखते हो अब समरी, क्योंकि फॉर्मेट है ये, मैं बहुत प्यारे तरीके से आपको बता रहा हूं फॉर्मेट, समरी ऑफ ग्रॉस कलेक्शन। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, एक समरी दिखाएंगे कि हमारा ग्रॉस कलेक्शन कितना हुआ। एक बात ध्यान रखना, ब्लू मैं ले रहा हूं, अगर ब्लू से मैं लिखूं तो ये भी आपने पेन बार बार चेंज करना, मुझे समझाना इसलिए मेरे बच्चे। इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो एएनएसपी है हम इसको लिस्ट ए यानी कि ये लिखा जाएगा एज पर लिस्ट ए, ये लिस्ट ए होता है मेरे बच्चे, ए कैपिटल में यहां पे लिस्ट ए। सर एग्जाम में हमें भी लिखना होगा, हाँ मेरे बच्चे ये लिस्ट ए आपको लिखना है, और जो एएसपी जो है ना ये है एज पर लिस्ट बी, ये है आपका एज पर लिस्ट बी आपका। अब हमें क्या करना है, ये देखो आपका लिस्ट ए का टोटल ये हो गया, अगर ये एज पर लिस्ट ए है तो उसका टोटल ये हो गया, मैं लिख दू यहां पे, छोड़ दो ये आप समझ गए, और लिस्ट बी का आपका ये। अब हमें क्या करना है, समरी है ऑफ ग्रॉस कलेक्शन, मतलब हमें ग्रॉस कलेक्शन का समरी आपका। सर ये कैसे होगा, कुछ नहीं, जो आपका लिस्ट ए है, लिस्ट ए उसका जो ईआरवी है मेरे बच्चे, ईआरवी उसको यहां पे लिखो, जरा बताओ लिस्ट ए का ईआरवी क्या होगा, ई अमाउंट होगा, वो यहां चला जाएगा, ठीक है ना, लिस्ट ए का। और जो लिस्ट बी है,
लिस्ट बी उसका ईआरवी कितना है वो तो यहां से निकल के आएगा, ये हमारा टोटल आपका होगा। तो ये जो टोटल यहां पे किया जाएगा उसको भी हम क्या करेंगे यहां लिख देंगे, और फिर ये आपका हो जाएगा टोटल कलेक्शन, ये हमारा हो जाएगा टोटल कलेक्शन। सर बातें नहीं समझ में आ रही है, मैंने कहा था ना आप चिंता ना करो, आप लिख लो, आज की क्लास जब खत्म होगी टॉपिक पे बहुत जबरदस्त कमांड हो जाएगा, आपको मजा भी आएगा। फिलहाल लिख लो आप यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या, ए एन एस पी जो है मेरे बच्चे एज पर लिस्ट ए हो गया, लिस्ट ए, और जो ए एस पी है लिस्ट बी, हमने क्या क्या, जो लिस्ट ए के हैं उनका अमाउंट यहाँ लिखा, लिस्ट बी का यहाँ पे सिर्फ कौन सा जाएगा सरप्लस। अब हम लोग समरी दिखा रहे हैं ग्रॉस कलेक्शन का ही आपका, और मैं एक काम करूं ये जो है ना बच्चे ध्यान रखना, ये जो है ये आएगा ओनली ओनली इन इनर कॉलम, मतलब ये जो अमाउंट आपका है, ये जो अमाउंट है ये किसी भी हालात में बाहर वाले कॉलम में नहीं जाएगा। ये तो बस इसी का डिटेल हम दोबारा यहां बताते हैं कि कैसे कैसे निकल के आ रहा है, आप लीजिए यहां लिख लीजिए। और फिर अब मैं क्या करूंगा यहां पे टोटल, ये हमारा ये प्लस ये मिलके जो अमाउंट आएगा ये टोटल हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल आपका। चलिए अब ये जो टोटल निकल के आया ये हमारा जो बिजनेस में जो एसेट्स हैं उनको बेच के कितना कितना पैसा आया उसको हमने बता दिया। थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे एक्चुअली इस दोनों में क्या फर्क है, ए एन एस पी और ए एस पी के बारे में। सुनो मेरी बात मेरे बच्चे, मेरे बिजनेस में दो एसेट्स हैं, एक है मशीन और एक है बिल्डिंग, एक और ले लेता हूं कैश। सर हमें लिखना है नहीं लिखना, मैं समझा रहा हूं, मेरे पास एक मशीन है, एक बिल्डिंग है और एक यहां पे कैश है, तीन एसेट्स मेरे पास है, तीन एसेट्स। मैंने क्या किया, ये जो तीन मेरे पास एसेट्स हैं इसमें से मशीन जो है ना मेरे बच्चे, मैं एक बार बैंक से कर्ज लिया था, बैंक से एक लोन लिया था 20 लाख का, बैंक ने हमसे कहा था कि आप हमें सिक्योरिटी दो, हमने कहा कि ठीक है अगर मैं आपके लोन का पेमेंट नहीं कर पाता तो आप मेरा मशीन लेके चले जाना। रिपीट कर रहा हूं, बहुत समय पहले मैंने एक बैंक से लोन लिया था 20 लाख का या 10 लाख का, बैंक वाले ने कहा था कि हमें सिक्योरिटी दो, हमने कहा कि ठीक है मैं आपको अपना मशीन जो है वो सिक्योरिटी के रूप में देता हूं, यानी कि अगर मैं आपका पेमेंट ना करूं, अगर मैं पेमेंट ना करूं तो आप मेरा मशीन लेके चले जाना, अभी नहीं कब, अगर मैं पेमेंट ना करूं। तो मेरे बच्चे मशीन जो है ना मैंने क्या किया, बैंक लोन वाले को मैंने दे दिया एज सिक्योरिटी। तो क्या मशीन आज चला जाएगा क्या, नहीं सर मशीन तो आपके पास ही रहेगा, बैंक वाला कब लेके जाएगा, अगर मैं डिफॉल्ट करूंगा उसके पेमेंट में तब वो लेके जाएगा। मेरे बच्चे ये जो मशीन है ना हम इसको बोलते हैं एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, हम इसको बोलते हैं जिस एसेट्स को हमने स्पेसिफिकली किसी खास आदमी को प्लेस यानी कि गिरवी के रूप में दिया है। तो यहां पे मशीन हमने क्या किया, गिरवी के रूप में किसी को दे दिया। अगर मैंने किसी से कर्ज लेते समय एक पर्टिकुलर नाम आपको दिया था कि ठीक है जी मैं आपका पेमेंट ना करूं तो आप मेरा ये एसेट्स लेके चले जाना, मेरे बच्चे हम उसको बोलते हैं एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। अब देखो ये जो बिल्डिंग है और ये जो कैश है हमने ये किसी को सिक्योरिटी के रूप में नहीं दिया हुआ है, हमने ये किसी को सिक्योरिटी के रूप में नहीं दिया हुआ है। तो ये जो आपके होंगे ना बिल्डिंग और कैश इसको क्या बोलेंगे, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। आपका प्लेस मतलब ये किसी को हमने स्पेसिफिकली प्लेस नहीं किया है। तो मशीन जो है ना जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड है वो कहां चला गया, इसके अंदर में। कौन सा एसेट्स, मशीन, कौन सी लायबिलिटी, बैंक लोन, मशीन बेच के कितना मिलेगा, लायबिलिटी यानी कि बैंक लोन को कितना पेमेंट करना है, कुछ कम तो यहां ज्यादा, मतलब ये निकल के आता है। और यहां जो बिल्डिंग और कैश है ना मेरे बच्चे हमने किसी को प्लेज नहीं किया वो यहां पे जाएगा, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। आपका कैश हो गया, बैंक हो गया, फर्नीचर हो गया, ये और इस तरीके से काम चलता है। मुझे इसको और ठीक से समझाना है तो आप एक काम करना, रजिस्टर का जो ये पेज है ना बच्चे, एक तो ये पेज और इसका जो अगला पेज है मतलब पीछे वाला, उस दोनों को छोड़ दो। मतलब मान लो कि ये आपका रजिस्टर का एक पेज है और रजिस्टर का दूसरा पेज आपका मतलब ये वाला है, तो आप इसको भी छोड़ दो, पीछे वाला पेज आपका, मुझे बाद में कुछ लिखाना है या जगह कम पड़ गया तो उस पेज में मुझे जाना पड़ेगा। पर वैसे ये और वो पेज छोड़ के आप अगले पेज पे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखो, आप अगले पेज पे एग्जांपल नंबर 1
अगले पेज पर रिपीट कर रहा हूँ, इस पेज को छोड़ दो, इसके बाद वाला पेज छोड़ दो और उसके फिर आगे यानी कि तीसरे पेज पर लिखो एग्जाम्पल नंबर वन। कहता है कैश, बैंक, मशीन, मशीन और बिल्डिंग, बिल्डिंग और एक नाम और देता हूं फर्नीचर, फर्नीचर। ये पांच एसेट्स मैंने क्वेश्चन में आपको दिए, पांच एसेट्स, पांच में से मैं क्वेश्चन में बता रहा हूं कि जो फर्नीचर है मेरे बच्चे, फर्नीचर ये हमने दिया है आपका प्लेस्ड, प्लेस्ड टू डिवेंचर्स या बैंक लोन कर देता हूं, बैंक लोन, प्लेस टू बैंक लोन। प्लेस टू बैंक लोन का मतलब हो गया कि अगर मैं बैंक लोन का पेमेंट ना कर पाऊं तो वो मेरा इस एसेट्स को लेकर चले जाएंगे। एक बात बताओ कि बैंक लोन वाले का पेमेंट ना कर पाऊं तो मेरा फर्नीचर लेकर चले जाएंगे, क्या कोई और भी एसेट्स लेके जा सकते हैं क्या? बोलो बोलो, क्या फर्नीचर के सिवाय कोई और भी मेरा एसेट्स लेके जा सकते हैं? नहीं सर, नहीं ले जा सकते। ठीक है, पर बच्चे मैंने क्या क्या, बिल्डिंग जो है ना ये प्लेस्ड, प्लेस यानी कि गिरवी देना, प्लेस्ड टू मैंने क्या किया जी, कोई आपका क्या नाम ले लो मैं उसको, क्या नाम ले, चलो मैंने इसको आपका दे दिया कोई आपका लोन, लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड, कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है उससे मैंने लोन लिया था, कहा था कि अगर मैं आपका पेमेंट ना कर पाऊं तो आप मेरा बिल्डिंग लेके चले जाना। पर बच्चे जरा बताओ अगर एक्स लिमिटेड का पेमेंट ना कर पाऊं तो क्या लेके जाएगा? सर बिल्डिंग। क्या वो फर्नीचर और मशीन भी लेके जा सकता है क्या? नहीं सर, नहीं ले जा सकता। ठीक है, पर बच्चे फिर क्या हुआ कि मैंने एक कर्ज लिया था आपका डिवेंचर से, मैंने डिवेंचर से भी पैसा रेज किया था और इनको हमने बोला था फ्लोटिंग चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज मतलब इसको ऐसे कह दूं मैं, सिक्योर्ड बाई, आप साथ साथ लिख रहे हैं ताकि आपको सारी बातें समझ में आए, सिक्योर्ड बाई फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है मेरे बच्चे, फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है कि अगर मैं आपका पेमेंट ना कर पाऊं, अगर मैं डिवेंचर वालों का पेमेंट ना कर पाऊं तो डिवेंचर वाले मेरे किसी भी एसेट्स को लेकर जा सकते हैं, फ्लोटिंग चार्ज। आप मेरे किसी भी एसेट्स को लेकर जा सकते हो और अपना पैसा रिकवर कर सकते हो, लेकिन हाँ इन दो एसेट्स को छोड़कर, क्योंकि इनको मैंने यहां पे चार्ज के रूप में दिया हुआ है, तो माफ कीजिए, तो फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे कि आप मेरे बाकी के किसी भी एसेट्स को आप लेके जा सकते हो। ठीक है ना, अब मैं कहता हूं कि आप क्लासीफाई करो, क्लासीफाई एसेट्स, एसेट्स इंटू एएसपी एंड एएनएसपी, मतलब आपको सॉल्यूशन में ये बताना है कि आप इसमें ये जो मैंने एक दो तीन चार पांच एसेट्स का नाम लिया, इसमें एएसपी कौन है? एसेट्स, एएसपी का मतलब क्या हो गया बच्चे? एसेट्स स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली प्लेस्ड, प्लेस्ड, जरा बताओ ऐसा एसेट्स कौन सा है, और मुझे बताओ आपका एएनएसपी कौन सा है? एएनएसपी का मतलब हो गया एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली प्लेस्ड। कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिनको आपने स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं किया है? तो मेरे बच्चे एएसपी में कौन सा नाम आएगा जिसको हमने किसी खास पर्सन को, किसी खास पर्सन को हमने प्लेज किया है? तो सर बिल्डिंग एंड फर्नीचर। मेरे बच्चे यहां पे आपका बिल्डिंग, बिल्डिंग और फर्नीचर आपका निकल के आएगा, दो एसेट्स का नाम आपका। और जो एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड, मतलब या तो उस एसेट्स को हमने किसी को सिक्योरिटी के रूप में दिया ही नहीं है, या फिर दिया भी तो कौन सा चार्ज? फ्लोटिंग चार्ज। वो नाम कौन कौन से आ जाएंगे? तो मेरे बच्चे कैश आ जाएगा, बैंक आ जाएगा और तीसरा क्या है जी, मशीन आ जाएगा। ये तीन नाम यहाँ पे कवर होंगे। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो मेरे बच्चे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जो एएनएसपी है इनका, इनका टोटल पैसा भेज के कितना आएगा वो लिखा जाएगा, और जो आपका एएसपी है, एएसपी ये कौन से एसेट से उनका नाम यहां लिखो, कौन सी लायबिलिटी से इनको सिक्योर किया गया है उनका नाम यहां लिखो,
इन एसेट्स को बेचकर कितना पैसा आएगा, लायबिलिटी वालों को कितना पैसा पे करना है, अगर कमी कुछ लगता है मतलब एसेट्स कम पे बिक रहे हैं लायबिलिटी को ज्यादा तो डेफिशिएंसी लिखो, और अगर एसेट्स ज्यादा पे बिकेगा लायबिलिटी कम तो सरप्लस आ जाएगा, सरप्लस का अमाउंट बाहर चला जाएगा। सर 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 रुको ना मेरे बच्चे, अभी ना, अभी नहीं, आपने कसम खाया है कि जब तक आज मेरी क्लास खत्म नहीं हो जाएगी तब तक आप इफ और को रेज नहीं करोगे। अभी क्लास को आगे चलने दो ना, थोड़ा थोड़ा और मुझे आगे बढ़ने दो ना, बातें बहुत सारी हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा, मैं कसम खाता हूं। और हाँ, आप एक काम करो, आगे बढ़ने के पहले ये जो कॉल सीनरी है ना, यहाँ पे आप यहाँ पे स्टार मार्क डाल दो, दो स्टार मार्क। सर क्यों बताऊंगा बाद में, पहले आप यहां तक कर लो। और हाँ, हमें दो लिस्ट मिला, लिस्ट ए लिस्ट बी, और उनका ग्रॉस यहाँ पे आपने निकाला, काम पूरा हो गया मेरे बच्चे। अभी तक हमने एसेट्स बेच के कितना पैसा आएगा हमने उसकी बात कर ली, अब हम लायबिलिटी के ऊपर में आएंगे कि यार हमें अब लायबिलिटी को कितना पेमेंट करना है, लायबिलिटी को कितना पेमेंट करना है। तो आप आइए जरा इसके बाद यहां से शुरू करेंगे, अब हम लोग लायबिलिटी शुरू करेंगे। ये पैसा हमारे पास है, लायबिलिटी शुरू करने के पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो आपका पेज था इसमें एक कॉलम यहाँ पे और बना दूंगा, छोटा सा छोटा सा, जिसमें अमाउंट लिखा जा सके। बस मैं इधर करता हूं, अदरवाइज दिखेगा नहीं आपको, तो मैं एक आपका यहाँ पे कॉलम और बनाता हूँ, और इस कॉलम में यहाँ पे लिखता हूँ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ऐसा कोई भी कॉलम यहाँ पे नहीं था, बट ये नया कॉलम आ रहा आपका, ये फॉर्मेट है एक्चुअली, ऐसा फॉर्मेट ही होता आपका। और इसमें आपको क्या करना है जी, लिखना है पहले इस बुक वैल्यू के अंदर में, ये आपका जो बच गया था ना, ये टोटल अमाउंट आपका, इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ, इतना पैसा हमारे पास है, और इसे अब पेमेंट करना शुरू करूंगा लायबिलिटी का। तो पहले आप यहां पे पेमेंट करेंगे, लिखेंगे आप यहां पे सिक्योर्ड, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बाय फिक्स्ड चार्ज। और इसका जो बुक वैल्यू होगा उसको आप यहां लिखेंगे, फिर बच्चे ब्रैकेट में लिख देना यहां पे टू द एक्सटेंट एस्टिमेटेड टू बी कवर्ड बाय एएसपी एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड आपका, तो इसकी बुक वैल्यू। और ये जो अमाउंट आएगा मेरे बच्चे हमेशा यहाँ पे नील आएगा, हमेशा नील आएगा। सर ये नील क्यों आएगा ये अभी मत पूछो, बस आप लिख लो यहाँ पे नील आएगा, हमेशा नील आएगा। और फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे बैलेंस आपका, यानी कि अभी और अमाउंट कितना बच गया, स्वाभाविक सी बात है कि इसमें नील को माइनस करूंगा तो इतना ही अमाउंट बचेगा आपका। इसके बाद मेरे बच्चे अब हम यहां लिखेंगे आपका अमाउंट पेबल, यहां पे लिखेंगे अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपका, इनको जो अमाउंट पे करना है, इसकी जो बुक वैल्यू होगी हम उसको यहां लिखेंगे, और इनको जो अमाउंट पे करना है उसको हम यहां पे लिखेंगे। सर बुक वैल्यू का मतलब बाद में बताऊंगा, अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और फिर इस अमाउंट को माइनस करके जो बचेगा विल राइट हियर बैलेंस आपका, यहां पे बैलेंस बचेगा। सर ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं पहले एक बात, ये देखो यहां भी मैंने लिखा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यहां भी लिखा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब वो क्रेडिटर्स मत समझ लेना जो बचपन में आपने पढ़ा है। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है जी, जिनको गुड्स, जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, उनको क्रेडिटर्स कहते हैं मेरे बच्चे, यहां पे वो मतलब नहीं है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब कि सिक्योर्ड लायबिलिटीज, सिक्योर्ड लोन, और आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का मतलब प्रेफरेंशियल लायबिलिटीज, वो लायबिलिटी, वो कर जो प्रेफरेंशियल है, जिनको प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले पेमेंट करने का। सर ये कौन से लोग होते हैं, अगर थोड़ी सी बात करूं ना, अभी थोड़ी सी बात, तो मेरे बच्चे जनरली ये गवर्नमेंट ड्यूज हो गया, सरकार का, हमारे गवर्नमेंट कुछ बकाया कंपनी के ऊपर में, वो पहले पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद आपका वो क्या बोलते हैं, कोई वर्कर से उसका वेजेस पे करना है बकाया है जी, तो वो आपका निकल के आएगा। कोई इंप्लॉई है उसका सैलरी पे करना, वो मतलब जो बहुत गरीब या बहुत अमीर लोग होते हैं, गवर्नमेंट हमारी बहुत अमीर हो गई,
और मजदूर बेचारे गरीब हो गए, तो इनके पेमेंट को प्रेफरेंशियल में डाला गया है। इनमें कुछ लिमिट्स है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ आपके बहुत सारी बातें हैं, वो आगे बताऊंगा जब उसका टॉपिक में पढ़ाऊंगा। अभी तो समझ लो कि एक्ट में कहा गया है कि भैया जब भी पेमेंट किया जाएगा तो पहले प्रेफरेंशियल पेमेंट करो, प्रेफरेंशियल क्रिएटर्स का, उनकी लायबिलिटी करो। ठीक है, हमने उसको लिख दिया आपका यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा लिख दूं क्या यहाँ पे, लिख दो थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या क्या बताया जी, गवर्नमेंट ड्यूज हो गया, रिपीट कर रहा हूं, इसका डिटेल डिस्कशन अभी आगे होना बाकी है। आपका आउटस्टैंडिंग जो बकाया है, वेजेज हो गया, सैलरी हो गया, एक्सेट्रा, अभी बहुत सारी बातें आएंगी, इसको डिटेल में हम वहां देखेंगे, थोड़ा सा समझ लो कि अमाउंट निकल के आएगा। इसके बाद मेरे बच्चे, इनका पेमेंट करने के बाद आपको यहां पे क्या करना है, अब लिखना है अमाउंट पेबल किसको जी, टू लाइबिलिटीज सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। वो अभी जो मैं समझा नहीं रहा था आपको, जैसे डिवेंचर्स को हमने फ्लोटिंग चार्ज दिया, फ्लोटिंग मतलब या किसी भी एसेट्स को बेच के आप पेमेंट, अपना पेमेंट ले सकते हो, तो हमने क्या किया, ऐसी लाइबिलिटी का बुक में कितना अमाउंट है वो और कितना पेमेंट किया जाएगा उसको हम यहां पे लिखेंगे। अमाउंट सिक्योर्ड बाय आपका अमाउंट पेबल टू लाइबिलिटीज सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग। एक्चुअली आपका जो स्टडी मटेरियल है उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बाय फ्लोटिंग चार्ज, तो मीनिंग सेम है, मैंने लाइबिलिटी लिख दिया क्योंकि मैं जानता हूँ क्रेडिटर्स यहाँ पे लाइबिलिटी कोई बता रहे, कोई टेंशन नहीं है। सर मार्क्स कटेगा, सवाल ही नहीं बनता, कैसे मार्क्स कट जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, अब लिखो बैलेंस, यहाँ क्रेडिटर्स कहने का मतलब ही लाइबिलिटी से आपका है, है ना, इनका पेमेंट कर दिया जी। तो हमारा अभी तक किसका किसका पेमेंट हो चुका है, हमारे आपके जो फिक्स चार्ज वाले हैं उनका पेमेंट हो चुका है, लायबिलिटी फिक्स चार्ज वाले, प्रेफरेंशियल का पेमेंट हो चुका है, फ्लोटिंग वाले का भी पेमेंट आपका हो चुका है। इसके बाद लिखिए जरा अगला आपका यहां पे, अब हमें अमाउंट पेबल टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज, जो अमाउंट पेबल अनसिक्योर्ड का है, ये आगे ब्रैकेट में इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी, इसकी बात कर रहा हूं, इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ लाइबिलिटीज सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड चार्ज। सर इसका मतलब बताऊंगा, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल लिख लो कि भैया जो आपके अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी है उनका, और अगर ये जो लाइबिलिटी थे जिनका डेफिशिएंसी मतलब कुछ कम पेमेंट हुआ था, ये भी अनसिक्योर्ड माने जाएंगे बच्चे, क्योंकि जितना पेमेंट हो गया ठीक है, जो कमी आ रही है उनके पेमेंट में वो भी अनसिक्योर्ड माना जाएगा और इनके साथ उनका पेमेंट करना दिखाया जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके बाद फिर जो अमाउंट निकल के आएगा, बैलेंस आपका ये हमारा निकल के आ गया, ध्यान रहे। इसके बाद मेरे बच्चे, अब मैं यहाँ पे इसको हटा दूंगा, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अगर नीचे चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, हमें अब आगे की बुक वैल्यू नहीं लिखना होता। क्या जी, अब लिखेंगे आपका यहाँ पे अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, आगे ब्रैकेट में इंक्लूडिंग, अगर कुछ बकाया है, इंक्लूडिंग डिविडेंड या फिर इंक्लूडिंग अरियर्स ऑफ डिविडेंड, अगर कोई पहले का डिविडेंड बकाया है प्रेफरेंस मेरे बच्चे, तो वो भी आ जाएगा और अमाउंट यहां पर लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप चाहो तो ये फॉर्मेट तो नीचे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, आप हटाना नहीं। एक्चुअली जब आप देखेंगे एक्ट के अंदर में, तो यहां पे बुक वैल्यू नहीं लिखना, तो मैं इसका बुक वैल्यू यहां नहीं लिखूंगा, बस सीधा अमाउंट वहां लिखूंगा। और फिर इसके बाद जो अमाउंट बचेगा, मैं उसको यहां पे बैलेंस दिखा दूं, बैलेंस, और फिर ध्यान से अब मैं लिख रहा हूं यहां पे क्या जी, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने यहां लिखा पेड अप आपका इक्विटी शेयर कैपिटल,
ठीक है ना, इस पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल को यहां से इसमें माइनस किया जाएगा और फिर जो अमाउंट यहां पे बचेगा, या तो मेरे बच्चे यहां पे आपका ये सरप्लस आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा, या फिर आपका यहां पे क्या होगा जी, आपका डेफिशिएंसी आ जाएगा, डेफिशिएंसी, यानी कि अगर निगेटिव में आ गया तो डेफिशिएंसी हो गया और पॉजिटिव रहा तो सरप्लस रह गया आपको यहां पे। आप प्लीज कॉपी कीजिए, आप कॉपी कीजिए, मैं इसको मिटाता हूं। सर इसका क्या रिक्वायरमेंट है बताऊंगा, पहले आप उसको लिख लो मेरे बच्चे, इसको मिटाता हूं और कुछ अच्छी बातें आपको समझाता हूं। ये लीजिए, सुनो ध्यान से, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, लिस्ट ए और लिस्ट बी की बात की। मेरे बच्चे जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का जो अमाउंट होगा ना, अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ये है एज पर लिस्ट सी, लिस्ट सी आपका, ठीक है ना, इसका कोई आपका नाम नहीं है, कोई लिस्टिंग लिस्ट नहीं है, लेकिन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिस्ट सी में आपका आएगा। अमाउंट पेबल टू लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एज पर लिस्ट डी, ये लिस्ट डी, डी आपका कैपिटल वर्ड चल रहा है। फिर अमाउंट पेबल टू अनसिक्योर्ड लायबिलिटी इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड चार्ज, ये हो जाएगा एज पर लिस्ट ई, ये आपका ई हो गया। और अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंशियल होल्डर आपका, ये जो प्रेफरेंशियल होल्डर को पे करना मेरे बच्चे, ये आपका चला जाएगा लिस्ट एफ, ये लिख देता हूं मैं यहां पे, एज पर लिस्ट एफ हो गया, लिस्ट एफ। और जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है वो हो गया एज पर एफ के बाद लिस्ट एफ जी, ये जी हो गया। और जो सरप्लस है डेफिशिएंसी आएगा उसे कहा जाएगा एज पर लिस्ट एच। बहुत सारे बच्चे मेरे बच्चे जब एग्जाम में आंसर करते हैं तो वो लिस्ट नहीं लिखते, एज पर सी डी ये नहीं लिखते, वो बस इतना लिख के काम खत्म कर देते हैं। तो एक तो पहले इस चैप्टर के क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं करते, इस चैप्टर की बदकिस्मती है, इतना सिंपल चैप्टर होने के बावजूद एग्जाम में हम इसको अटेम्प्ट नहीं करते, पता नहीं क्यों मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और जो बच्चा अटेम्प्ट करता भी वो फॉर्मेट को प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पाता, प्रॉपर तरीके से उसको शो नहीं कर पाता। तो कौन सी बड़ी बात है यार, एसेट्स में दो लिस्ट चले गए, लिस्ट ए लिस्ट बी, एएनएसपी लिस्ट ए, एएसपी लिस्ट बी चला गया, और लिस्ट सी डी ई एफ जी एच आपका नीचे चला गया। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर सीक्वेंस में याद रखेंगे, प्रेफरेंशियल जो चला गया सी में, फ्लोटिंग चार्ज वाले डी में, अनसिक्योर्ड वाले ई में, प्रेफरेंस वालों को हमने एफ में डाल दिया, इक्विटी को जी में डाल दिया, और फिर सरप्लस या डेफिशिएंसी जो आएगा वो लिस्ट एच में कहा जाएगा, लिस्ट एच में यहां पे, ठीक है, लिस्ट एच। बात समझ आ रही है, तो आप इसकी प्लीज कॉपी करें, लिस्ट एच यहां पे कॉपी करेंगे। सर हो गया, बट सर ये क्या है मेरे बच्चे, अभी थोड़ा सा हमें कुछ नोट लिखाना है, अभी ये तो अभी फॉर्मेट एंड हो गया, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। कुछ अच्छे नोट्स मैंने आपके लिए रखे हुए ताकि मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि एक भी नोट अगर छूट गया मेरे दिमाग से तो फिर उस केस में आपको आगे परेशानी होगी। इसलिए मेरे बच्चे खास मैंने आपके लिए अब कुछ नोट बनाए, लिखे जहां पे फॉर्मेट एंड हो गया वहां पे इंपॉर्टेंट नोट, नोट और ब्रैकेट में सिर्फ मेरे लिए, मतलब आपके लिए, मेरे मतलब आपके लिए बात कर रहा हूं, मेरे लिए मैं तो एग्जाम दे चुका, आपकी बात कर रहा हूं। लिखेंगे आप यहां पे, नंबर वन, एसओए यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फेयर इज प्रिपेयर्ड, ये बनाया जाता है, इज प्रिपेयर्ड बिफोर स्टार्टिंग लिक्विडेशन प्रोसेस के स्टार्ट होने के पहले ही बनता है मेरे बच्चे, ये आपका लिक्विडेशन प्रोसेस के स्टार्ट होने के पहले ही बनता आपका। लिखेंगे यहां पे इसी में या नंबर टू कर दो आप, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, मैं स्टार्टिंग में आपको समझा रहा था वही बातें लिखा रहा हूं, ट्रिब्यूनल कहता है कॉमा देके, कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट अ पिटिशन प्रेजेंटेड बाय द कंपनी, अगर कंपनी
ही पिटीशन डालती है कि मुझे लिक्विडेट कर दो फॉर वाइंडिंग अप. कहता है शैल बी एडमिटेड only if accompanied by SOA यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. अगर ट्रिब्यूनल के पास कंपनी अपना वाइंडिंग अप का पिटीशन डालती है कि मुझे बंद कर दो, एप्लीकेशन डालती है कि भैया मेरा कंपनी बंद होना चाहिए, तो उस केस में आपको SOA के साथ आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा. इसी में टू में लिखो आगे पैराग्राफ चेंज करके फेयर अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप इज फाइल्ड बिफोर द ट्रिब्यूनल बाय एनी पर्सन अदर देन कंपनी. अगर कंपनी को छोड़ के कोई दूसरा बोलता है कि भैया इस कंपनी को बंद करो, कंपनी को बंद कौन कौन बोल सकता था जी? मैंने बताया था आपको कॉन्ट्रीब्यूटरीज हो गए, गवर्नमेंट हो गया, पर्सन अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट हो गया, बहुत सारे लोगों ने बताया था आपको, उनमें से कोई भी अगर डालता है तो द ट्रिब्यूनल शैल कॉमा देखे इफ सेटिस्फाइड दैट अ प्राइमा फेसी फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज मेड आउट अगर वो सेटिस्फाइड है कंपनी को बंद करना चाहिए कॉमा ऑर्डर द कंपनी वो कंपनी को ऑर्डर करेगी टू फाइल इट्स ऑब्जेक्शंस along with SOA statement of affairs within 30 days. मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि 30 दिन के अंदर में आपको ये वहां पे देना होगा. 30 days ऑफ द ऑर्डर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट. जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है वो कौन सा जी? ये जो मैंने आपको दिया हुआ है बच्चे, इसमें आपको करना होगा. मैं आपको बता दूं मैंने क्या लिखा है अभी तक. कहते हैं कि एक तो SOA जो बनता है इसका बनना होता है, ये स्टार्ट होता बनना मेरे बच्चे बिफोर स्टार्टिंग लिक्विडेशन प्रोसेस. अभी कंपनी का लिक्विडेशन नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, उसके पहले बनता है. अगर कंपनी ने पिटीशन डाल किया है कि भैया कोर्ट भैया मेरे कंपनी को बंद कर दो, तो अपना SOA उनको प्रेजेंट करना होगा. कितने में सेट्स बिकेगा, लाइबिलिटी कितना पेमेंट करना है, पैसा बचेगा कि खत्म हो जाएगा. ये अगर किसी और ने कंपनी के अगेंस्ट पिटीशन डाला कि कंपनी को बंद करो जी, मुझे इस कंपनी का फ्यूचर ठीक नहीं दिखता है, और कोर्ट भी इस बात से एग्री करता है, ट्रिब्यूनल जो है वो एग्री करता है कि हाँ जी कंपनी बंद होनी चाहिए, तो कंपनी को वो ऑब्जेक्शन को रेज करने के लिए 30 दिन का समय देता है. उस 30 दिन के अंदर में आपको अपना SOA बनाकर कोर्ट के पास आपको पेश करना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल के पास पेश करना पड़ेगा इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट. वो फॉर्मेट आपका ये है, ठीक है ना. ये एग्जाम में आ गया कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन SOA, और मान लो थ्योरी आ गया मेरे बच्चे, तो फॉर्मेट देना पड़ेगा और ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. लिखिए पॉइंट नंबर 3.
कहता कि इट शोज, ये एसओए शो करता है क्या एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू ईआरवी ऑफ एसेट्स एंड एक्सपेक्टेड, ये सारे एक्सपेक्टेड है क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है, पेबल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, है ना, कितने एसेट्स बिकेंगे, लाइबिलिटी बेची कितना आएगा मेरे बच्चे यहां पे फोर्थ कहते हैं, मैं इसके बारे में लिखा रहा हूं। देखो मैंने यहां पे स्टामक डाल था ना दो, उसके बारे में यहां पे मैं दो स्टामक डाल दू, यानी कि उसी के बारे में लिखा रहा हूं। कहते हैं कि कॉल्स इन अरियर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ANSP एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। मेरे बच्चे यहां पे जो फर्नीचर है ना, मैंने एग्जांपल लिखा, फर्नीचर यहां भी आ सकता था, है ना, अगर मैंने किसी को सिक्योरिटी के रूप में दिया तो यहां ना यहां पे आ जाएगा, हो सकता है बैंक में जो पैसा वो भी यहां पे आ जाए, हमने किसी को सिक्योरिटी के रूप में अगर दिया है तो। लेकिन कॉल्स इन अरियर ये जो नाम है ये हमेशा ANSP होगा, क्योंकि कॉल्स इन अरियर का मतलब आप जानते हैं कि जो पैसा मैंने शेयर होल्डर से मांगा है लेकिन पैसा अभी तक आया नहीं है, मुझे उनसे लेना है। तो मेरे बच्चे जो पैसा मेरे पास अभी है ही नहीं, मैं उसको सिक्योरिटी के रूप में किसी को कैसे दे सकता हूं। इसीलिए ध्यान रखना, जो आपका कॉल सिनेरियर होगा, जो कि पैसा भी आपके पास है ही नहीं और उसके मिलने के भी कोई पक्का नहीं है कि पैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डिफॉल्ट कर चुका है। कॉल सिनेरियर पढ़ा है आपने, डिफॉल्ट होने के बाद हम ये नाम लिखते हैं। तो ये जो कॉल सिनेरियर है कभी किसी को सिक्योरिटी के रूप में अपने दे सकते हैं, इसलिए हमेशा एग्जाम में बोले चाहे ना बोले इसको ANSP एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड ही आपको मानना है हमेशा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? हाँ सर, हाँ चिल्लाओ मत सर, आगे बढ़ो और क्या, ठीक है, ये हमेशा ANSP मान लेंगे। हाँ, पांचवा लिखो यहां पे अनकॉल्ड कैपिटल इज नॉट कंसिडर्ड एट ऑल फाइल प्रिपेयरिंग SOA। मेरे प्यारे बच्चे, अनकोल्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? अनकोल्ड कैपिटल का मतलब होता है कि जो कैपिटल अभी हमने कॉल नहीं किया है, जिस कैपिटल को अभी हमने आपसे मंगाया नहीं है, हम उसे अनकोल्ड कैपिटल कहते हैं। मतलब हमने शेयर इश्यू कर दिया, 10 रुपए के शेयर थे, 8 रुपए हमने पब्लिक से मांग लिया, 2 रुपए 2 रुपए अभी तक नहीं मांगा है, जो नहीं मांगा दैट इज कॉल्ड अनकोल्ड कैपिटल। और पूरे SOA में अनकोल्ड को हमें कंसिडर नहीं करना। सर क्यों नहीं कंसिडर करना? जब वो कॉल ही नहीं हुआ, वो पैसे अभी हमारे पास है ही नहीं, तो हम उनका एस्टिमेट क्या बनाएंगे, उनसे हमें क्या मिलेगा, वो तो कुछ है नहीं। इसलिए कॉल सिनेरियर को हम ANSP मानेंगे, अनकोल्ड को हम इसमें कंसिडर ही नहीं करेंगे। मेरे बच्चे कंसिडर ही नहीं करेंगे आपका, ठीक है ना। और 6 पॉइंट लिखे आप यहां पे, 6 पॉइंट कहता है आपका 6 पॉइंट में कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑब्लिक लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन और एक्सपेंसेस शैल नॉट बी कंसिडर्ड फाइल प्रिपेयरिंग SOA। कहता कि जो वाइंडिंग अप कॉस्ट है, कंपनी को बंद करने का खर्चा, जिस लिक्विडेटर को आप अपॉइंट कर रहे हो लिक्विडेट करने के लिए, उसका रेमुनरेशन या वो जो कुछ एक्सपेंसेज करेगा, हम उनको कंसीडर नहीं करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग SOA। सर क्यों? तो कह देना दुनिया वालों को, बिकॉज दे आर नॉट द लायबिलिटी, दे आर नॉट द लायबिलिटी ऑन डेट ऑफ प्रिपेयरिंग SOA। मेरे प्यारे बच्चे, वाइंडिंग अप जब हो जाएगा तब तो खर्चे लगेंगे, लिक्विडेटर्स को जो रेमुनरेशन हमें पे करना, वो तब पे करना जब कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी।
समझे मेरी बात में यहाँ पे, तो वो तो आज कोई खर्च ही नहीं क्योंकि लिक्विडेशन प्रोसेस ही अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, हम उसके पहले एसओए बना रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में अगर दिया भी रहेगा तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आपका लिखेंगे 7 पॉइंट, मैं इसके बारे में लिखा रहा हूं, ये जो बुक वैल्यू मैंने वर्ड लिखा था कि बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज लिखेंगे मींस टोटल अमाउंट, मतलब जो पहले से टोटल अमाउंट पेबल जो हमें पे करना था, पेबल टू लाइबिलिटीज को जो टोटल अमाउंट पे करना था मेरे बच्चे, आगे ब्रैकेट में है फेदर WHETHER फेदर अपियरिंग इन बैलेंस शीट और नोट, चाहे वो बैलेंस शीट में आपका अपियर करे चाहे ना करे, उनकी बात कर रहा हूं, बात ध्यान से सुनना। कहते हैं कि ये जो हमने बुक वैल्यू लिया है यहां पे, ये कौन सा पॉइंट था, सेवन पॉइंट की बात कर रहा हूं। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट मैंने डिफाइन किया था जी, ये था 4th पॉइंट, लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 7th पॉइंट में हमने कहा कि बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ये मेरे बच्चे ये होता है जो टोटल अमाउंट उनको हमने पे करना है जो हमने पहले से कमिटमेंट किया हुआ है, टोटल अमाउंट। और ये फिर क्या है, जो उनसे नेगोशिएशन हुआ कि भैया ये पहले मान लो कर्ज आपका 50,000 रुपए का था लेकिन हम आपको 40 पे करेंगे, तो 40 यहां पे आएगा, 50 यहां पे आएगा। कर्ज आपका 50,000 रुपए का है लेकिन आज कुछ इंटरेस्ट बढ़ गया, आप हमको 55 पे करना पड़ेगा, तो 55 यहां आएगा। मतलब जो बुक में जो आपका टोटल लायबिलिटी जो पे करना था पहले से, वो आपकी बात कर रहे हैं यहां पे। और फिर कहता हूं वेदर अपियरिंग इन बैलेंस शीट और नॉट, इसका मतलब कि वो लायबिलिटी बैलेंस शीट में हो चाहे बैलेंस शीट के बाहर हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ बैलेंस शीट में हो। इसका मतलब क्या मेरे बच्चे, अपियरिंग इन बैलेंस शीट का मतलब होता है, एक अच्छा वर्ड आपको दे रहा हूं, प्योर लायबिलिटी, इसको हम लोग प्योर लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। और जो बैलेंस शीट में अपियर नहीं कर रहा है नॉट, यानी कि इसको हम कंटिंजेंट लायबिलिटी, आप जानते हैं कंटिजेंट का मतलब कि जो लायबिलिटी आज नहीं है बट कल बन सकती है, ऐसी कोई भी लायबिलिटी हमारे बैलेंस शीट में नहीं होता, हम उसको बैलेंस शीट के बाहर रखते हैं। तो चाहे वो प्योर हो चाहे कंटिजेंट हो मेरे बच्चे, मतलब बैलेंस शीट में हो चाहे ना हो, उनको जितना टोटल अमाउंट पे करना है उसको हम यहां पे लिखेंगे जो पहले से है, और जो एक्चुअल एग्रीमेंट हुआ पे करने का अब कि हम उनको देंगे कितना नेगोशिएशन के बाद, वो हम यहां लिखेंगे। कैसे, मैं क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा, आप चिंता नहीं करना। हाँ, इसके बाद मैं आपको एक बात और लिखाना चाहूंगा मेरे बच्चे, ये तो आपके 7 नोट हो गए, मुझे ऊपर थोड़ा मिटाना पड़ेगा, यहाँ पे जगह की कमी है, 8वां नोट। आपके पास जगह खूब सारे है क्योंकि मैंने पूरा का पूरा पेज आपसे छुड़वाया हुआ है, आप इस बात को जानते हैं। एक्चुअली होता क्या है, मैंने आपको नोट में बताया कि जब हमने एसओए बनाया तो एसओए में हम लोगों ने अनकोल्ड कैपिटल को और जो कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप कॉस्ट है इसको हम इंक्लूड नहीं करते। तो मेरे बच्चे, जब हम ये कोर्ट ट्रिब्यूनल के पास जब हम इस एसओए को प्रेजेंट करेंगे तो हमें नोट में बिल्कुल एंड में मतलब एसओए खत्म होने के बाद इस बात को लिखना पड़ता है कि जो हमने एसओए बनाया है सब्जेक्ट टू अनकॉल्ड कैपिटल इफ एनी, अगर कोई है, एंड विदाउट कंसिडरिंग कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप लिक्विडेटर्स रिमुनरेशन एक्सेट्रा, ये बात लिखना पड़ता है। मैं वो भी नोट के रूप में लिखा दूं, मैं क्वेश्चन में कराऊंगा सारी बातें, क्वेश्चन में कराऊंगा कुछ भी हो जाए, क्योंकि काम तब होना मजा जब हम सब कुछ जानते हैं। जरा इमेजिन करो, मैं क्या मस्त चीज आपको बता रहा हूं। आपको अगर किसी कंपनी, मान लो आपने अभी डिग्री कंप्लीट कर ली, कंप्लीट करने के बाद आप किसी कंपनी में गए जॉब करने के लिए, बच्चे जिस दिन आप जॉब करने गए, पहला दिन था आपका, बिल्कुल टाई पहन के, शर्ट पैंट पहन के, बहुत मस्त तरीके से क्रीम पता नहीं क्या क्या लगा के आप कंपनी में गए काम करने के लिए कि आज काम करूंगा, खूब सारा चीज दिखाऊंगा, लेकिन जाते ही कंपनी बंद हो गई। जैसे ही कदम आपका पड़ा उस कंपनी के गेट पे, पता चला कंपनी बंद हो गई, क्या मस्त मजा आएगा उस दिन, क्या मस्त मजा आएगा जिस दिन हमने लिक्विडेशन में जितनी सारी बातें पढ़ी है मेरे बच्चे, उस दिन हमें अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। हम उस दिन दिखाएंगे कि हमें भी एफओए बनाने आता है, आगे आपका डेफिशिएंसी अकाउंट, लिस्ट एज, जितनी सारी बातें सब आपको मौका मिले करने का।
और सोचो वो दिन, वो जन्म, वो दुनिया कितना मजेदार आपको लगेगी जब जब नेक्स्ट कंपनी में भी गए आप काम करने और वो भी कंपनी बंद हो गई। तो जिस जिस कंपनी में गए कंपनी बंद हो गई, बंद हो गई, आप रोना मत, क्योंकि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होना चाहिए। आप लिक्विडेशन जो आज पढ़ रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करके आओगे। सुनो मेरी बात, मजा आएगा, मजा आएगा। जब जिस जिस कंपनी में गए और कंपनी बंद हो गई, क्या मस्त मजा आएगा, क्या मस्त मजा आएगा। फिर मजा कैसे आएगा, फिर तो हम तो गंद, छोड़ो ना, मैंने कहा ना, बस आप मजा लो। आपको मजा लेना इस चैप्टर का, कि बस भगवान से प्रार्थना करना, जिस दिन आप पहले दिन जा रहे हो भगवान से पूजा करना, प्रार्थना करना, भगवान गया है कंपनी बंद कर दो, ताकि क्या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी जो सर ने पढ़ाया था उसका भी तो थोड़ा मजा मिले सीखने का कि क्या हमने किया था। आओ ना, मैं यहाँ पे आपको आठवां पॉइंट लिखाता हूँ। आठवां पॉइंट मेरे बच्चे, आपका इसका मैं ब्लैक लूंगा, ब्लैक आठवां पॉइंट मैं लिखा रहा हूं कि आपको फॉर्मेट के बाद आपको नीचे में क्या लिखना है। लिखो जरा यहां पे, एसओए यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मस्ट रीड विथ, मस्ट रीड मतलब जब इसको स्टडी किया जाएगा, मस्ट रीड या मस्ट बी रीड कर दो, मस्ट बी रीड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग मतलब ये बातें हमें मेंशन करनी होंगी एसओए में कि भैया जो आप स्टडी कर रहे हो, रीड कर रहे हो, उसमें सब्जेक्ट टू फॉलोइंग ये बात ध्यान रखना। क्या जी? नंबर ए, नंबर ए, देर इज अनपेड कैपिटल टू बी कॉल्ड और ब्रैकेट में इफ एनी, अगर कुछ ऐसा है तो। मेरे बच्चे, अगर कोई अनकॉल्ड कैपिटल है तो बता देना कि भैया उनको कॉल करना है जो इसमें हमने कंसीडर नहीं किया। इफ एनी मतलब ये तभी लिखा जाएगा जब हमारा वैसा होगा, अदरवाइज नहीं। नंबर बी, और फिर लिखेंगे आपका कि द एस्टिमेट्स आपका आर सब्जेक्ट टू मतलब जो कंसिडर इसमें नहीं किया गया, सब्जेक्ट टू कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑब्लिक लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन एंड एक्सपेंसेस। ये बातें हमें बताना होता है ताकि हम पूरे मार्क्स लें, ठीक है ना। फॉर्मेट बेस्ड है ना बच्चे। और एक चीज और मैं आपको लिखा दूं यहां पे, आपका एट पॉइंट, आपका एट तो हो गया, नाइन्थ लिख दो आप यहाँ पे, नाइन्थ पॉइंट एक और, ये जो लायबिलिटी लिया जाएगा ना बच्चे, जैसे आपका यहाँ पे डिवेंचर हो गया चाहे कुछ भी आपका, तो कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटीज वो भी कंसीडर किया जाएगा, लायबिलिटीज या इंटरेस्ट पेबल लिख देता हूँ, इंटरेस्ट पेबल अगर कुछ होता है, इंटरेस्ट पेबल ब्रैकेट में इफ एनी अगर कुछ होता है, क्वेश्चन में देख लेंगे, तो शुड बी कंसिडर्ड टिल डेट ऑफ प्रिपेयरिंग एसओए। मतलब अगर कोई लायबिलिटी है जिसपे हमें इंटरेस्ट पे करना है और हमने इंटरेस्ट अभी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया मेरे बच्चे, तो कहते हैं कि जिस दिन तक आप एसओए बना रहे हो उस दिन तक का हमें इंटरेस्ट उसमें कर्ज के रूप में दिखा रहा होगा। आप प्लीज कॉपी कर लो। सर हो गया, आगे बताइए मेरे बच्चे। अब कुछ बचा नहीं है, मैं आपको बुक से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और आपकी मास्टरी। आप आइए जरा अपनी बुक में लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, आप जरा आएंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी और मेरे साथ आप शुरू करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री। ये कभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे आप यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर थ्री। सर 1-2 करना है मेरे बच्चे, वो भी कराऊंगा, सब कराऊंगा, मैंने कहा ना आपको मास्टर बनाऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर थ्री कर लेते, देखते क्या है। ये कभी सीए इंटर नॉमिनल 92 में क्वेश्चन आया हुआ है आपका, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, चेंज किया बस फिगर को चेंज कर, कुछ खास नहीं। पढ़िए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बता रहा, पहले मैं इसको मिटा दूं क्या, पहले इसको मैं मिटा दूं। आप ये फॉर्मेट ध्यान में रखना, क्योंकि मुझे तो ध्यान में है, आपके दिमाग से स्लिप ना करे, अगर कुछ दिक्कत आए तो आप वहां पे पीछे में जाके देख लेना। ओहो, मुझे एक चीज समझाना था, कोई बात नहीं, जो मुझे समझाना इस क्वेश्चन के अंदर ही समझा दूंगा। वो सवाल आपके दिमाग में हो सकता है आया हो, बट कोई बात नहीं, मैं भी समझा दूंगा मेरे बच्चे।
इस क्वेश्चन के साथ ही। सबसे सिंपल चैप्टर कुछ है तो बस ये है, और सबसे अपशकुन कह दो आप, जो हम कभी नहीं चाहते कि जिंदगी में, मतलब अगर कभी ऐसा मौका हमें मिले, किसी को क्यों बंद करना, क्यों बंद करना बताओ, किसी को चलने दो ना दुनिया को। आप चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बता रहा है। कहता कि एक्स लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 1 अप्रैल 2019 को ये लिक्विडेट हो गया। फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन दैट डेट। क्या जी, मशीन है, लीज प्रॉपर्टीज है, स्टॉक है, डेटर से इन्वेस्टमेंट है, कैश एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मतलब लॉस। ये पुराना फॉर्मेट है, ऐसे नया फॉर्मेट आ गया है, बट कोई बात नहीं, प्रॉफिट लॉस कभी भी आपका डेबिट बैलेंस या एसेट साइड दिखे तो लॉस ही तो होता है। इसे कहता है कि 24,000 इक्विटी शेयर से 10 रुपए वाले 240 डिवेंचर्स, मेरे बच्चे कहता है सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज मैंने आपको दिखाया था, मुझे भी मिटाना नहीं चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आपके दिमाग में है, आपके पास रजिस्टर में आप देख लो। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है, फिर क्रेडिटर्स आपका है। नीचे कहता है फॉलोइंग एसेट्स आर वैल्यूड एज अंडर, हमने कुछ ऐसे वैल्यू किया, मशीन कहता है कि 1,80,000, लीज हो प्रॉपर्टी मेरे बच्चे 2,18,000। देख लो मशीन बैलेंस शीट में कितने का है, 90,000। देखो ना मशीन बैलेंस शीट में कितने का है, 90, लेकिन आज उसकी वैल्यू कहता है कि 1,80,000, बढ़ जा रहे दो। लीज होल्ड जो है बुक में कितने का है, 120, आज इसकी वैल्यू 218। तो बुक वैल्यू आपका जो था वो तो बैलेंस शीट में, लेकिन आज उसकी वैल्यू इतना बता रहा है। ठीक है, हमें तो ईआरवी चाहिए, ईआरवी मैंने लिखा था। इन्वेस्टमेंट आज कहता है कि 12,000 का है, स्टॉक आपका 6 का, और डेटर्स कहता है कि 1,40,000। ठीक है, आगे बढ़ना। बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डेड ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टीज। बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट जो बैलेंस शीट में आपका 54,000 का दिख रहा है, हमने लीज होल्ड प्रॉपर्टीज जो है उससे उनको सिक्योर्ड किया है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी देखो जरा, बैलेंस शीट में कितने का था, 120, लेकिन नीचे पढ़ो ना, अगर आज इसको मैं बेचता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 2,18,000। ईआरवी 218 है, ठीक है, अभी ज्यादा मत सोचना। कहता है देयर वर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, लो इसने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का अमाउंट ही बता दिया 3,000। हमें इसको निकालना भी सीखना है, मैं सिखाऊंगा भी, सिखाऊंगा आगे की क्लासेस में, ये भी सीखेंगे। तो फिलहाल तो कह दिया कि 3,000, कहता है विच वेर नॉट इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स ऑफ 60,000। ओहो, ये जो आपके बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स आपका 60,000 दिख रहा है मेरे बच्चे, कहता है कि उसमें 3,000 नहीं मिला हुआ है, मतलब ये 3,000 अलग से है, बैलेंस शीट में नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू बी सबमिटेड टू द मीटिंग ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। बोलता है कि आप एसओए बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपका, जो आपको आगे जो मेंबर्स हैं क्रेडिटर्स उनको जो आपको दिखाया जाएगा कि भैया इतने अफेयर्स बेच के आएंगे, ऐसी बात है आपको, मतलब लिक्विडेशन को शुरू करने के पहले जो आपका एसओए बनता है। आओ ना देखते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और आप ये क्वेश्चन आपका ये मान लो, अपना एक काम करना, इस क्वेश्चन को आप देख लो इस तरीके से। एक्चुअली अगर मैं उसको शो नहीं कर पाया आपको तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3? हाँ जी, तो आप इसको क्लिक कर लेना, मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन। अगर जिसके पास ऐसे तो सबके पास नोट्स मेरी जाती बुक ही जाती है आपके पास, पर फिर भी दिखा दिया, मन किया, सुनो ना क्या बता रहा है। मैं स्टार्ट करता हूँ, मुझे बनाना सॉल्यूशन कर रहे हैं मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का, और हम बना रहे हैं यहां पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है ना, ये लीजिए मेरा ये फॉर्मेट रहा आपके रजिस्टर का, बिल्कुल नया पेज रहेगा, और स्टार्टिंग से टिल द एंड तक आपका ये जाएगा। ठीक है ना, अब मैं शुरू करता हूं। हम लोग पहले लिखते हैं यहां पे एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, है ना, जिन एसेट्स को हमने किसी को खास, हमने किसी कर्ज को सिक्योरिटी ग्रुप में नहीं दिया। जरा बताओ कौन कौन से। देखो ध्यान से नीचे पढ़ना, वो जो आपका लीज होल्ड प्रॉपर्टीज है मेरे बच्चे, लीज होल्ड जो हमने बैंक ओवरड्राफ्ट वाले को दिया था, उसको छोड़कर सारे ही एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड है। तो मैं काम करता हूं, यहां पे आपका
कौन सा नाम था जी वो, कौन सा नाम था वो, आपका लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी सब लिखना शुरू करो, मशीन। और याद रखना इन सारे एसेट्स का जो ईआरवी है, एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू, और हाँ ये सारी बातें एज पर लिस्ट ए है मेरे बच्चे। अब हम बिल्कुल प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, एज पर लिस्ट ए मशीन का ईआरवी बताओ। देखो ना मशीन बेचकर नीचे पढ़ो कितना अमाउंट मिल जाएगा आपको, एक्सपेक्टेड कितना है 1,80,000। ये जो 90,000 आपका जो यहां पे बैलेंस शीट में दिया हुआ है उससे मतलब नहीं है। आज एक्सपेक्टेड कितना है, अगर मैं बेचूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, उस बात को यहां पे लिख रहा हूं, यानी कि ईआरवी मेरे बच्चे नीचे बताएगा। सर किसी एसेट्स का अगर ईआरवी नीचे में अलग से ना बताया तो फिर हम क्या मानेंगे मेरे बच्चे, फिर जितना बुक में वही मान लेना। ऐसे एग्जाम में जनरली हमेशा बताता है, लेकिन अगर किसी एसेट्स के बारे में ना बताए तो चिंता नहीं करना, बोलना भैया जितना बुक में उतना ईआरवी मान लेंगे, ठीक है ना। आओ ना देखते इसमें सारी बातें निकल के आ जाएंगे। मशीन लीज हो छोड़ दो, स्टॉक पे आओ। आप मुझे बताओ स्टॉक जो बैलेंस शीट में 3,000 का था वो स्टॉक नीचे में कितने का बता रहा है, 6,000 का। ये हमने 6,000 ले लिया। फिर मेरे बच्चे बैलेंस शीट में जो एसेट्स आपका डेटर्स है, डेटर्स स्टॉक के बाद डेटर्स जो 150 का था, आज देखो वो ईआरवी कितना बता रहा है, 1,40,000। फिर बैलेंस शीट में अगला नाम जो इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट बताओ ना वो इन्वेस्टमेंट आपका बैलेंस शीट में कितना है। सर इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में 18,000 है, उस 18 का जरा बताओ आज कितना बता रहा है, 12,000। ये 12,000 आपका हो गया, समझ रहे हो ना। बिल्कुल वही डिट्टो सेम क्वेश्चन मेरे बच्चे करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में यहाँ पे सीए इंटर के एग्जाम में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, 12 मार्क्स का, और रेयरली बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे। वो बोलते यार पता नहीं क्या आ गया, बहुत सिंपल चीजें होती है, फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर आपका है। तो इन्वेस्टमेंट आपका 12,000। अब देखो बैलेंस शीट में कैश इन हैंड है, आप मुझे बताओ वो कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जो आपका 3 का है नीचे कहीं बता रहा है, नहीं बता रहा है। तो ऐसे भी कैश तो वही रहेगा जो बुक में है 3,000 का। और फिर बच्चे जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखा हुआ है ये तो कोई एसेट्स ही नहीं है। अरे एसेट्स को बेच के कितना पैसा मिलेगा उसकी बात करो ना, ये तो लॉस है, लॉस थोड़े कोई एसेट्स है, हम उसको नहीं लेंगे। अच्छा कोई और भी अलग से एसेट्स कहीं दिख रहा है क्या, कुछ और भी नहीं सर, कहीं कुछ नहीं है। तो बताओ इन सब को ऐड करके एज पर लिस्ट ये टोटल बाहर कितना जाएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना अमाउंट निकल के आ रहा है आपका। ये कितना है जी, 1,80,000 प्लस आपका 6,000 प्लस ये 152 and 3 कितना हो गया 155 है ना। जब से कैलकुलेटर आया ना मेरे कैलकुलेशन खराब होना शुरू हो गया बच्चे, 3,41,000 का अमाउंट यहाँ निकल गया, इसको बाहर कर देंगे 2,26,28,30 ठीक है, गलती कर रहा हूँ, ठीक तो कर रहा हूँ 340 है आपका। ये हो गया आपका एएनएसपी से। अब हम लोग क्या करेंगे, विल टेक नाउ एएसपी, यानी कि अब हमारा नाम आएगा एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड है ना, और ये हो जाएगा एज पर, बताइए एज पर लिस्ट बी, लिस्ट बी पूरा चीज लिखो, मजा आएगा एग्जाम में, एग्जामिनर भी सोचेगा कि मार्क्स काटू तो कहां काटू। बच्चे इसमें आपका जो एसेट्स है उसका नाम यहां लिखूंगा, जो लायबिलिटीज सिक्योर्ड है उसका नाम यहां लिखूंगा, इस एसेट्स का जो ईआरवी होगा उसको मैं यहां लिखूंगा, लायबिलिटी का जो पेबल अमाउंट होगा उसको मैं यहां लिखूंगा, डेफिशिएंसी आया तो मैं यहां लिख दूंगा, और अगर सरप्लस आया तो मैं यहां लिख दूंगा, और सरप्लस ये दोबारा बाहर भी चला जाएगा। देखता हूं कौन से एसेट्स, बताओ सर लीज होल्ड लिखो ना इसके अंदर में, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, ये वो एसेट्स हो गया जिससे हमने कौन सी लायबिलिटी को जी, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट में बैंक ओडी लिख देता हूं। आप बताओ ये जो आपका लीज होल्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट में 120 है, नीचे पढ़ के बताओ बेचूंगा तो कितना मिलेगा, फिर 2,18,000। अच्छा मुझे बताओ जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको पेमेंट कितना करना है, सर 54,000। तो कोई मुझे बताएगा क्या,
कि अगर एसेट्स को बेचकर 2,14,000 मिलेगा और उस 214 में लायबिलिटी का खर्च सिर्फ 54 है, तो हमारे पास मतलब कंपनी के पास पैसा कम पड़ेगा कि ज्यादा हो जाएगा? दूसरे तरीके से सवाल पूछता हूं, इनको जो हमने सिक्योरिटी दिया था उस सिक्योरिटी को बेच के 2,18,000 इनको मिलेगा, 218 में उनका कर्ज सिर्फ 54 है, तो 54 माइनस करके बाकी पैसा तो मुझे वापस करेंगे? ऐसा ये नहीं होता कि भैया हमने आपको लीज होल्ड दे दिया सिक्योरिटी के रूप में तो आपका जितना बेचो सारा पैसा आपका हो जाएगा? ऐसा नहीं होता, आपको बस अपने कर्ज तक का पैसा लेना है, बाकी वापस करना है। तो मुझे बताओ ना कि 2,18,000 में 54,000 अगर पे हो जाए तो इसके बाद कंपनी के पास पैसे कम पड़ेंगे इससे कि ज्यादा? सर सरप्लस होगा, पैसे इनके हाथ में और बच जाएंगे, क्योंकि 2,18,000 में से ये अगर हम 54,000 को हटा देते हैं तो सर 1,64,000 कंपनी के पास वापस आ जाएंगे इनका पेमेंट करने के बाद, और क्योंकि सरप्लस आ रहा है इस 164 को बाहर कर दो। बाहर मेरे बच्चे, जरा बताओ लिस्ट बीमा और भी कोई नाम है? नहीं सर, तो इसका टोटल बता दो सिर्फ इसका और किसी का नहीं, 2,18,000। अगर यहाँ पे दो तीन नाम होते तो दो तीन नाम, ऐसे कोई नाम नहीं तो यहाँ भी काफी था, लेकिन दो तीन नाम होगा तो सबका टोटल लिखा जाएगा। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, लिख दो आप यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद डेफिशिएंसी आता तो मेरे बच्चे बाहर नहीं जाता, सरप्लस आया तो बाहर चला गया। अब ये आपका यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, समरी। अब हम यहां दिखाएंगे समरी ऑफ ग्रॉस कलेक्शन, ग्रॉस कलेक्शन, समरी ऑफ ग्रॉस कलेक्शन। इसमें मेरे बच्चे दो जी, एक आपका ANSP और एक आपका ASP। सर शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, यहां लिख देना कौन लंबा नाम लिखेगा। बताओ ANSP से कितने रुपए आ रहे हैं, 341, ये 3,41,000 का अमाउंट आ गया, और ASP यानी कि इसको बेच के कितना है, 2,18,000। याद रखना ये नहीं आएगा, ये आएगा टोटल ERV आपका, तो ये कितना हो गया, 5,59,000। इसको क्लोज कर देना, सिर्फ इनर कॉलम में होगा, इसका कोई भी इम्पैक्ट बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इन्हीं बातों को हम दोबारा बता रहे हैं। बच्चे अब हमारे पास क्या होगा जी, यहाँ पे हो जाएगा बैलेंस। अब हमारे पास यहाँ पे बैलेंस बताओ कितना हो गया, 4,05,000 है ना, ये 5,05,000 का अमाउंट आपका हो गया, 5,05,000, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला कॉलम यहाँ पे क्या होगा जी, बनेगा एक बुक वैल्यू लायबिलिटीज के लिए, बुक वैल्यूज, और मैं स्टार्ट करता हूं। आपको पता है पहले यहां पे क्या जी, पहले होगा आपका अमाउंट, अमाउंट पेबल टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कह दो, सिक्योर्ड लायबिलिटी कह दो, तो यहां पे क्रेडिटर्स में क्रेडिटर्स इन लायबिलिटी है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बाय फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज। ध्यान से देखना सारी बातें अब आपकी क्लियर होंगी। इसमें बताओ कौन सा नाम निकल के आएगा, इसमें सर फिक्स चार्ज सिर्फ बैंक ओडी है, तो यहां लिख दिया हमने बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। मुझे बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट की बुक वैल्यू कितनी है, बुक में वैल्यू देखो आप 54,000 यहां लिख दिया, ये वैल्यू हमेशा यहां बाहर कितना जाएगा, नील जाएगा, नील। सर नील क्यों, क्योंकि मेरे बच्चे आपने 2,18,000 जो प्रॉपर्टी बेच कर आया था उसमें से इसका तो पेमेंट कर ही दिया, और पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचा वही तो बाहर लिखा, तो जब इसमें से ऑलरेडी इनका पेमेंट हो चुका तो दोबारा थोड़े पेमेंट किया जाएगा, इसलिए कहा था हमेशा ये नील होगा। समझो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं, अरे जो बैंक ओवरड्राफ्ट वाले हैं उनका पेमेंट इसमें से माइनस करने के बाद ही फिर यहां पर गया था मेरे बच्चे, तो जब ऑलरेडी माइनस हो चुका तो दोबारा थोड़े होगा, तो फिर सर लिख क्यों रहे हो, फॉर्मेट है मेरे बच्चे, फॉर्मेट है, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, अगर आप नहीं लिखते तो भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस मार्क्स एग्जाम में जीरो मिल जाएंगे, जीरो। चाहते हो इस बात को, नहीं सर, तो फिर लिखना, फॉर्मेट मैंने पहले कह दिया, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, देयर इज फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट में हम सारे काम को कर रहे हैं बस। तो आपका यहां पे ये ठीक है। अब मुझे बताओ बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस आपका सर बैलेंस आ गया 5,05,000 का अमाउंट ही आपका यहाँ पे, ठीक है। मुझे बताओ इसके बाद अगला किसका जी, तो सर कहा था आपने अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अमाउंट, अमाउंट पेबल, पेबल टू प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स,
जो प्रेफरेंशियल, जिनको प्रेफरेंस दिया गया है, गवर्नमेंट ड्यूज हो गया कुछ ऐसा, इनके बारे में ये अमाउंट कितना बता रहा है? सर बैलेंस शीट में तो नहीं है, लेकिन नीचे में कहता 3000 है। हमने 3000 का जो अमाउंट यहां बताया, क्वेश्चन बताओ उसकी वैल्यू यहां कितनी लिखी जाएगी? क्या वो बुक में यानी कि बैलेंस शीट में है? नहीं है। तो क्या मैं यहां कुछ लिखूं? हां, तब भी लिखूंगा, क्योंकि बुक वैल्यू का मतलब मैंने बताया था टोटल अमाउंट पेबल टू द लायबिलिटीज वेदर अपीयरिंग इन बैलेंस शीट और नॉट, चाहे वो बैलेंस शीट में हो चाहे ना हो। वो बैलेंस शीट में हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। मेरे बच्चे, जो बैलेंस शीट में है या नहीं है प्योर लायबिलिटी, जो बैलेंस शीट में नहीं है मतलब सिर्फ कोई भी हो सब यहां पे आएंगे, सबकी लिखी जाएगी। हाँ जरा पढ़ के बताओ इनसे नेगोशिएशन कितने में हुआ है? सर 3000, कुछ नहीं बताया तो 3000 पे किया जाएगा, तो इसमें 3 तो इनको पे कर दिया। अब बताओ बैलेंस कितना बच गया हमारे पास यहाँ पे? ये हो गया 5,02,000 का अमाउंट आपका, 5,02। उसके बाद हमने कहा था अरे हाँ, ये एज पर, ये था आपका एज पर लिस्ट सी, मेरे बच्चे लिस्ट सी था आपका, यहाँ इसका कोई लिस्ट नहीं, यहां पर सी। अगला क्या बोले थे? अमाउंट पेबल टू आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटीज है यहां पे, बाय फ्लोटिंग चार्ज, जिनको हमने कहा था कि अगर मैं आपका पेमेंट ना कर पाऊं तो आप मेरे किसी भी एसेट्स को लेके चले जाना। बताओ इसमें नाम कौन सा? इसको या तो अंडरलाइन मत करो, ऐसे अच्छा लग रहा है, उसके अंदर में लिख दिया हमने, अंडरलाइन भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। बताओ ऐसा कौन सा है? सर वो कहता है डिवेंचर्स। मेरे बच्चे लिखो ना इसके अंदर में डिवेंचर्स का नाम, डिवेंचर्स। जरा बताओ बैलेंस शीट में डिवेंचर्स कितने हैं? सर बैलेंस शीट में डिवेंचर्स 1,50,000 का अमाउंट। तो मेरे बच्चे बुक वैल्यू तो 150 आ गया, 1,50,000। अच्छा जरा बताओ इनको पे कितना करना है? कहीं कोई नेगोशिएशन की बात कर रहा है क्या? ना। क्या कोई इंटरेस्ट की बात कर रहा है क्या? ना। तो ना बताया तो जितना बुक में उतना ही पेमेंट करना है, और वो कितना बता रहा? 150। तो मेरे बच्चे यहां पे डिवेंचर्स का पेमेंट कितना हो जाएगा? 1,50,000। हम लोग देख रहे हैं कितने पैसे आ रहे हैं, कितना कितना पेमेंट करना है, और ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में पेमेंट होता है। अगर कंपनी लिक्विडेट होगी तो आप इसको ब्रेक नहीं करेंगे। जरा बताओ पैसा कितना बच गया? 3,52,000 आई थिंक, 352 ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है ना? ये 3,52,000 का अमाउंट आपका। हाँ, अब उसके बाद हमने क्या बोला था जी? अगला आएगा यहां पे अमाउंट पेबल टू क्या? अब आएगा अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज या क्रेडिटर्स। जब वही लिखा तो वही लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लायबिलिटी लिख दिया तो भी कोई मार्क्स नहीं कटेगा। अब बताओ इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? तो अनसिक्योर्ड क्या बच गया? तो हमें तो एक क्रेडिटर्स दिख रहा है, और तो कोई नाम है नहीं बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स आपका। जरा बताओ क्रेडिटर्स जो है वो बैलेंस शीट में कितने हैं? बैलेंस शीट में सर क्रेडिटर्स है 60,000 का, 60,000। अच्छा बताओ जरा इनको पे कितना करना है? सर नेगोशिएशन कुछ नहीं हुआ है तो 60 ही एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब बताओ कितना बच गया? कोई और तो लायबिलिटी नहीं है ना, प्रेफरेंशियल कर लिया और वो ठीक है। वो नीचे कह भी रहा है कि भैया जो प्रेफरेंशियल है ये 3000 ये आपका इसमें नहीं मिला, मतलब ये अलग है, ये अलग है तो पूरा लिया जाएगा। अगर ये अमाउंट इसमें मिला होता तो अगर 3 यहां तो फिर 57 यहां पे आता, बाकी का अमाउंट ही अनसिक्योर्ड होता, बट कोई बात नहीं। बताओ कितना हो गया? 352 में आपने 6 लाख का अमाउंट हटा दिया, बचे 2,92,000। इतना अमाउंट हमारे पास बच गया है बैलेंस। सर कुछ समझाना चाहते थे? बताऊंगा अभी, रुक जाओ। इसके बाद जरा बताओ क्या आपके इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस, अच्छा एक मिनट, डिवेंचर जो था मेरे बच्चे डिवेंचर, ये इसमें कहीं कुछ इंटरेस्ट बता रहा है क्या? कुछ इंटरेस्ट बकाया है सब नहीं बता रहा है, मत लेना, होगा तो देखेंगे। अभी क्वेश्चन आएगा मैं दिखाऊंगा, यहां कुछ भी नहीं है, छोड़ो इसको, आगे पढ़ो ना, आगे पढ़ो ना। डिवेंचर के बाद आपका यहां पे कहता है, डिवेंचर के बाद आपका यहां पे कहता है वो माफ कीजिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो तो काम ऐसे खत्म हो गया। तो लास्ट में अब यहां पे हम क्या माइनस करेंगे जी? आपका लिखना भूल गया क्या? लिस्ट सी, ये आपका हो गया लिस्ट डी, मैं लिखना भूल गया था, एज पर लिस्ट ये डी था, और ये आपका एज पर लिस्ट
ई। सर अगर ये लिस्ट ना लिखे तो मार्क्स कटेगा, चांसेस है थोड़े मोड़े कटने के, इसलिए पूरा लिखना। तो लिस्ट ई हो गया। अब लिस्ट एफ यानी कि आपका प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट होल्डर, या अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस होल्डर कुछ भी कर सकते हैं। ये अमाउंट कितना है जी बुक में? नील। यहां कितना हो गया? नील। एज पर लिस्ट कौन सा हो गया? एफ। फिर एग्जाम में ना लिखे तो छोड़ सकते हो, जब है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आपका, है ना। बैलेंस कितना बच गया आपका यहाँ पे? 292। और फिर लास्ट में क्या करेंगे जी हम लोग, यहाँ पे आपका पेड अप, ध्यान से यहाँ पे लिखा गया है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। चला बताओ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? और एज पर लिफ्ट जी है मेरे बच्चे, लिफ्ट जी कितना है जी? आप देखो बैलेंस शीट में पेड अप कहता है आपका 240,000, तो आपने क्या किया 240,000 यहाँ पे आपने माइनस किया। जरा बताओ कितना बच जाएगा? 52,000 बच जाएगा। तो बच गया ना, यानी कि सरप्लस कहा जाएगा, सरप्लस एज पर लिफ्ट एच, लिफ्ट एच आपका, जी के बाद एच आपका, और ये काम पूरा हो गया। सरप्लस एज पर लिफ्ट एच, बताओ इस क्वेश्चन में क्या दम है, बोलो। एग्जाम में 12 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को भी बच्चे छोड़ देते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बच्चे नहीं कर पाते हैं, ऐसे क्वेश्चन के आने के बाद भी जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते बोलते यार पेपर बहुत टफ था, क्या इसमें दम है जरा बताओ। इतने काम करने के 12 मार्क्स, मेरा 2 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा, वो भी इस क्वेश्चन को कर जाएगा, करता है, सच बोल रहा हूं मैं, मेरी बात मानो, मैं झूठ नहीं बोलता, आप जानते इस बात को, वो भी ये क्वेश्चन कर जाएगा। कुछ है नहीं इसके अंदर में, फॉर्मेट में सारी बातें लिख दो, काम पूरा हो गया। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपका, और यहाँ पे कोई आपका लिक्विडेशन एक्सपेंस की बात कर नहीं रहा है। अगर हम चाहे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी नोट नंबर 1, क्या कि अबव एसओए, लिखिए मेरे साथ एसओए इज सब्जेक्ट टू क्या आपका यहाँ पे लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, अनकाउंट कैपिटल की तो कोई बात है नहीं यहाँ पे, तो लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन को आपका यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है, क्वेश्चन में बता भी नहीं रहा है, और काम पूरा हो गया, ठीक है ना। ये बात पूरा आप प्लीज कॉपी कर लो। अब मुझे कुछ समझाना है और समझा के बातें को खत्म करना है, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, बहुत सारी बातें भी होनी है, बट मुझे कुछ समझाना है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना, क्या जहां अक्सर बच्चे परेशान होते हैं बट आपको नहीं होना। ये कॉपी हो गया? सर हाँ हो गया। पक्का हो गया? सर हो गया। सच में? सर हाँ। आगे बढ़ो ना, मतलब परेशान मत करो आप, ठीक है मैं आपको बताता हूं। ये देखो ध्यान शांत, दिमाग शांत हो जाएगा मेरे बच्चे, बिल्कुल शांत, मतलब अब सुनो मेरी बात, बिल्कुल शांत, यहां कुछ भी नहीं है दुनिया में, बस मैं हूं और आप हो और तीसरा कोई नहीं है, कसम से बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो। एक सवाल दिमाग में उठ सकता है कि सर एक बात बताओ, मान लो लीज होल्ड प्रॉपर्टी को बेचकर हमारे पास यहां पे सिर्फ 20,000 आता, मान लो सिर्फ 20,000, सर फिर क्या करते हम लोग, फिर क्या करते सर मेरे बच्चे? अगर लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो है बैंक ओवरड्राफ्ट से सिक्योर्ड है और इसको बेचकर अगर 20,000 आता, तो पहले कि आपका यहां पे डेफिशिएंसी हो जाता, मतलब लायबिलिटी का पूरा पेमेंट नहीं हो पाता, तो फिर वो यहां नहीं होगा, सरप्लस नहीं, डेफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 34,000। यहां पे अमाउंट बाहर कितना जाएगा? नील। कुछ रहा नहीं, कुछ पैसा बचे तब तो आएगा नील आपका। ये कॉलम की बात नहीं कर रहा मैं, मुद्दे पे आ रहा हूं। उस केस में ध्यान देना कि अब जो प्रॉपर्टी बेच के 20,000 आया, बैंक ओवरड्राफ्ट को 54 पे करना है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को कितना पे हो पाया? सिर्फ 20 ही तो पे हो पाया ये अमाउंट, तो अभी कमी कितनी रह गई जी? 34,000। यानी कि क्या बैंक ओवरड्राफ्ट को ये 34,000 पे नहीं होगा? सोचो ना मैं क्या बोल रहा हूं। बैंक से हमने कर्ज लिया था 54,000 का, लेकिन जो प्रॉपर्टी इनको हमने सिक्योरिटी के रूप में दी थी उसको बेचकर सिर्फ 20,000 की रिकवरी कर पाए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का जो 34,000 की कमी आ गया, क्या इनका पेमेंट होगा कि नहीं होगा? या छोड़ दूं मैं, बोलो ना क्या होना चाहिए, आपसे पूछता हूं, बोलो बोलो। सर समझ में नहीं आ रहा, मैं समझाता हूं मेरे बच्चे। एक
मेरी कंपनी भगवान ना करे लिक्विडेट हो जाए और मान लो मैंने किसी से 54 का कर्ज लिया है, 54,000, तो 54,000 का जो कर्ज लिया था 20,000 मैंने उनको पे कर दिया, तो बाकी का 34,000 क्या मैं उनको नहीं पे करूंगा? करूंगा, मैं पेमेंट करना पड़ेगा, वो मुझसे पैसा मांगेंगे। अरे कर्ज है, जो सिक्योरिटी था उसको जितना बेच के पैसा मिल गया ठीक है, बाकी जो नहीं मिला वो भी तो हमसे मांगेंगे, कर्ज हमें दिया था उन्होंने, पैसा मांगेंगे। लेकिन अब हमें ये देखना है कि वो पेमेंट जो 34,000 है वो मैं उनको पे कब करूंगा इतने सारे सीक्वेंस में। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो 54,000 का जो अमाउंट था, जरा बताओ सिक्योरिटी पे बेचकर कितना रुपया पे हो गया इनका? 20, इससे तो ये सिक्योर्ड था, ये सिक्योर्ड था। बाकी 34,000 जो इनका अभी तक पेमेंट नहीं हो पाया, उसके लिए आप यहां पे अनसिक्योर्ड माने जाओगे, अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। और ये देखो, जब अमाउंट पेबल टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स था ना, तो 60,000 और प्लस आपका ये 34,000, यानी कि यहां पे 94,000 का पेमेंट दिखाया जाएगा। अगर अगर डेफिशिएंसी आई रहती तो यहां पे नहीं आई थी, यहां पे तो सरप्लस था, सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन था। लेकिन अगर डेफिशिएंसी आई रहती तो जो चीज आपको सिक्योरिटी के रूप में दिया गया है उसको बेचकर जो पैसा आपको मिल गया, उसके बाद जो पैसा आपको नहीं मिला उस कर्ज को, उस बैंक ओवरड्राफ्ट को, वो भी हमें देना पड़ेगा। लेकिन उनको तब मिलेगा जब बारी अनसिक्योर्ड वाले पेमेंट करने की आएगी। कई नई बात है, नई बात है ना? ना ना ना, आप फॉर्मेट निकालो, मेरे पास है, आप फॉर्मेट निकालो। मैंने इस बात को आपको लिखाया था मेरे बच्चे, आप देखो, अगर आपको अपना रजिस्टर नहीं देखना तो मेरा देख लो। मैंने कहा था कि जब अमाउंट पेबल टू अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज होगा तो ब्रैकेट में इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ लाइबिलिटी सिक्योर्ड बाय एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। अब देखो, मैं लिखा था कि अनसिक्योर्ड का जो पेमेंट होगा तो इसमें वो भी अमाउंट आपको मिलाना है जो एएसपी से सिक्योर्ड हुए थे और उनका अनपेड अमाउंट, जो उनका पेमेंट नहीं हो पाया, वो भी वहां पे जाएगा। सर, और कुछ क्वेश्चन कराना है? बहुत सारी बातें करानी, इस टॉपिक पे इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इस टॉपिक के पूरे चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा कि आप भी हैरान हो जाओगे कि क्या इतना भी क्वेश्चन बन सकता है। इतने पैटर्न के क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जामिनर एग्जाम में जहां जहां तक सोच सकता है मेरे बच्चे, हम उससे भी आगे निकलेंगे और फिर देखते हैं कि कौन आगे बढ़ता है, आप या आपका एग्जामिनर। बट आज नहीं, आज क्लास को हम यही रोकेंगे, आज क्लास यही रोकेंगे। अगली क्लास में जब मैं आपके साथ मिलूंगा तो मेरे बच्चे अगली क्लास के अंदर में मेरा जो टॉपिक का डिस्कशन होगा अभी होगा इस पे बहुत सारे क्वेश्चन का, और वो डेफिशिएंसी अकाउंट वो क्या था जो इससे जुड़ा हुआ है, डेफिशिएंसी अकाउंट जो इससे जुड़ा हुआ है वो क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, बहुत सारी बातों का भी डिस्कशन होना है। बहुत सारे मजे इस चैप्टर में लेने हैं, और इससे भी मजा तो तब आएगा जब किसी कंपनी में गए और वो जो मैंने बताया था उस दिन होगा, मतलब जाते ही कंपनी बंद हो जाना। आज नहीं मेरे बच्चे, आज बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलूंगा इसके आगे का डिस्कशन करने के लिए। अभी बुक के किसी भी क्वेश्चन को टच नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन को नहीं, किसी भी बुक से भी क्वेश्चन टच नहीं करना है। अगली क्लास गुजरने दो, उसके आगे की भी क्लासे गुजरने दो, चैप्टर मेरा फिनिश हो जाएगा तब किसी बुक को टच करना है। आप सबको तब तक बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू।